हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और आज है 27 जुलाई। आज यूपी टेट 2019 की खबर देखेंगे। यूपी टेट 2019 की परीक्षा इस बार होगी बहुत ही हाईटेक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि डेली इस तरह की अपडेट आपको जो है मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो अब बात करते हैं कि आप सबको पता होगा पिछले 1.5-2 सालों में जो है प्राइमरी टीचर की भर्ती की जो है जांच चल रही है, जो पिछले 7-8 सालों में भर्तियां हुई हैं। तो आप लोग जो है आए दिन देखते हैं कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकलती है कि यहाँ पे 40 शिक्षक बर्खास्त, 25 शिक्षक यहाँ पे बर्खास्त, इनकी जाली सर्टिफिकेट पकड़ी गई, बीएड की डिग्री फर्जी पकड़ी गई, बीएससी की डिग्री फर्जी पकड़ी गई। इस तरह से आए दिन न्यूज आती रहती हैं। तो इन सब से निपटने के लिए जो है सरकार ने इस बार थोड़ा यूपी टेट परीक्षा 2019 को हाईटेक करने का फैसला लिया है। तो इस बार 2 नए नियम लागू करेंगे। तो चलिए उस वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो आपको जो है पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्टफोन जो है नहीं ले जाएंगे गुरुजी। तो यहाँ पर पूरी खबर पढ़ते हैं। यूपी टीटी 2019, तो यूपी टीटी 2019 के दौरान परीक्षा केंद्र में शिक्षक भी स्मार्टफोन लेकर नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है, परीक्षा को सुचितापूर्वक संपन्न कराने के लिए कई बड़े बदलाव करने पर विचार चल रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज जल्द सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने जा रहा है। इस साल की परीक्षा अक्टूबर में संभावित है। तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में संभावित है कि परीक्षा हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस बार परीक्षा में सख्ती बढ़ाई जाएगी। अब तक परीक्षा केंद्र में कक्ष निरीक्षकों या केंद्र व्यवस्थापक के स्मार्टफोन को ले जाने के पर जो है रोक नहीं थी। ओएमआर सीट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उस पर जो है बार कोड लगाने पर विचार चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि हेर फेर की गुंजाइश ना रह जाए। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मिलने वाले लेखन सहायक के नियमों को भी सख्त करने पर विचार चल रहा है। परीक्षा केंद्र प्राथमिकता के आधार पर राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को बनाने की हिदायत दी है। अपरिहार्य परिस्थिति में ही वित्त विहीन स्कूलों को केंद्र बनाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड वाले भी प्राइमरी टीटी देंगे। पिछले साल आयोजित टीटी के लिए 18,27,851 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 11,70,786 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 6,12,930 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में बीएड डिग्रीधारी भी शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने जून 2018 में बीएड वालों को शामिल कर लिया था, जिसके बाद बीएड डिग्रीधारियों ने पिछले साल की भी जो है प्राइमरी टीटी दी थी। तो आप लोगों को जो है इसमें बीएड वाले हैं उनको जो है पूरी तरह से शामिल कर लिया गया है एनसीटीई के द्वारा भी और यूपी सरकार के द्वारा भी। तो ऐसा कोई भी भ्रम ना रखें कि बीएड वाले जो है प्राइमरी टीटी नहीं देंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें।